हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल रीड चैप्टर 16, पीपल हु हेल्प अस। इन आवर डेली लाइफ वी नीड द हेल्प ऑफ अदर्स एट होम एज वेल एज आउटसाइड द होम। दे मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड इजी। द टीचर्स, द डॉक्टर्स, द पोस्टमैन, द पुलिसमैन, द बारबर एक्सेट्रा, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पीपल हु हेल्प अस। हम अपने डेली लाइफ में हमें काफ़ी वी नीड हेल्प, दूसरे लोगों की आवश्यकता, मदद की आवश्यकता होती है, चाहे घर हो चाहे घर से बाहर हो, जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल और इजी बनाते हैं, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, पोस्टमैन है, पुलिसमैन है, बारबर आदि, ये सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। सबसे पहले टीचर्स के बारे में बात करेंगे हम। वी गो टू स्कूल टू गो गेट एजुकेशन, वी लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम आर टीचर्स। हम स्कूल जाते हैं एजुकेशन गेन करने के लिए, है ना, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वी लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम आवर टीचर, हमारे टीचर हमें पढ़ाती हैं और लिखाना सिखाती हैं। दे टीच अस टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, वो हमें एक ईमानदार और एक सत्यवादी भी बनाती हैं, अच्छी बातें, सच बातें भी सिखाती हैं। दे ऑल्सो टीच अस पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग, ये सारी चीज़ें भी टीचर हमें सिखाते। टीचर्स हेल्प द सिटीजन इन डेवलपिंग हेल्दी एंड गुड हैबिट्स। टीचर्स जो है बच्चों को एक अच्छी आदतों का विकास भी करती हैं, अच्छी आदतों को उनके अंदर डेवलप करती हैं। दे हेल्प अस टू बिकम गुड सिटीजन, और टीचर्स हमें एक अच्छा नागरिक बनाने में मदद करते हैं। वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट आर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स का वो करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्यार करना चाहिए उन्हें, हमें आदर करना चाहिए उनका। वी मस्ट थैंक देम एज दे हेल्प अस टू बिकम गुड सिटीजन ऑफ आर कंट्री। वी मस्ट थैंक, हमें धन्यवाद देना चाहिए उन्हें, दे हेल्प अस टू बिकम गुड सिटीजन ऑफ आर कंट्री, कि वो हमें हमारे देश का एक अच्छा नागरिक बनाने में मदद करते हैं। वी सेलिब्रेट टीचर्स डे इन सेप्टेम्बर 5 एवरी ईयर इन आर स्कूल। वी सेलिब्रेट दिस डे एज ए बर्थडे ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हम हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। जन्मदिन जो है उनका शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉक्टर। देयर आर मेनी बिग एंड स्मॉल हॉस्पिटल्स इन आर सिटी। ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर्क इन दिस हॉस्पिटल। शहर में हमारे में कस्बों में एक छोटे और बड़े बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत सारी संख्या में वहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेज काम करते हैं। इन आर नेबरहुड सम डॉक्टर्स हैव देयर ओन क्लिनिक, और हमारे पड़ोस में कुछ डॉक्टर्स जो हैं उनकी अपनी क्लिनिक भी हैं, ठीक है। डॉक्टर्स वर्क इन हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। ए नर्स हेल्प द डॉक्टर इन टेकिंग केयर ऑफ द सिक पीपल। डॉक्टर्स जो होते हैं हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज में काम करते हैं, और जो नर्सेज जो होती हैं वो जो हैं वो डॉक्टर्स की हेल्प करती हैं सिक पीपल की केयर करने में। सम डॉक्टर्स ट्रीट एनिमल्स एंड बर्ड्स। कुछ डॉक्टर्स जानवर और चिड़ियों का भी इलाज करते हैं, दे आर कॉल्ड वेटनरी डॉक्टर, उन्हें वेटनरी डॉक्टर कहते हैं हम। देर आर सेपरेट हॉस्पिटल्स फॉर एनिमल्स एंड बर्ड। हॉस्पिटल डॉक्टर्स का और सॉरी वेटनरी डॉक्टर्स जो होते हैं वो एनिमल्स और बर्ड्स का ट्रीटमेंट करते हैं, इससे उनके हॉस्पिटल्स भी अलग होते हैं। बट सम ब्लेजेज डू नॉट हैव डिस्पेंसरी, लेकिन जो सम स्मॉल ब्लेजेज जो छोटे गांव होते हैं वहाँ पर, सॉरी बिग ब्लेजेज हैव डिस्पेंसरीज एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। बड़े गांव में और में डिस्पेंसरीज होती हैं, दवा खाने और प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी होते हैं, ठीक है। बट स्मॉल ब्लेजेज डू नॉट हैव डिस्पेंसरी, लेकिन जो छोटे गांव होते हैं वहाँ पर डिस्पेंसरीज नहीं होती। द गवर्नमेंट सेंड मोबाइल डिस्पेंसरीज देयर। अ मोबाइल डिस्पेंसरी इज अ वैन हैविंग अ डॉक्टर, अ नर्स एंड अ मेडिसिन। समटाइम्स मेडिकल कैंप्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज फॉर पीपल, विलेज पीपल। जो छोटे गाँव होते हैं वहाँ पर मोबाइल डिस्पेंसरीज जाती हैं, जैसे एक वैन में ही सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी, इसमें डॉक्टर्स भी होती हैं, दवाइयाँ भी होती हैं, नर्सेज भी होती हैं, और कभी कभी गाँव में जो है वो कैंप भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोस्टमैन। अ पोस्टमैन इज ए पर्सन हु डिलीवर आर लेटर्स एट आर डोर स्टेप। द पोस्टमैन कलेक्ट लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड टेक्स देम टू द पोस्ट ऑफिस। सम पोस्टमैन कलेक्ट लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड डिलीवर देम एट देयर एड्रेसेस। पोस्टमैन वह व्यक्ति होता है जो हमारे लेटर्स को हमारे दरवाजे पर देकर जाता है, और वह लेटर बॉक्स से
लेटर्स को कलेक्ट करता है और पोस्ट ऑफिस पहुंचाता है। उसके बाद वो सभी लेटर्स को कलेक्ट करके पोस्ट ऑफिस से डिलीवर करता है हमारे पते पर, यानी एड्रेस पर। ही ऑल्सो डिलीवर्स मनी ऑर्डर्स, टेलीग्राम्स एंड पार्सल्स, मनी ऑर्डर इन सब चीज़ों को भी वह डिलीवर करता है। इन प्लेसेस द पोस्टमैन हैव टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू डिलीवर द मेल। जो गांव होते हैं वहां पर पोस्टमैन एक लंबी दूरी तय करके मेल को डिलीवर करता नहीं पहुंचाता है। द ड्यूटी ऑफ ए पोस्टमैन इज़ वेरी हार्ड, ही हैज़ टू डू वर्क इन ऑल काइंड ऑफ वेदर, हर प्रकार के मौसम में वह काम करता नहीं, वो बहुत मेहनती होता है। नेक्स्ट है हमारा पुलिसमैन। मोस्ट इन नेबरहुड हैव अ पीपल और हैव अ पुलिस पोस्ट और अ पुलिस स्टेशन। द पुलिसमैन आर नीडेड टू प्रोटेक्ट आर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हमारे पड़ोस में पोस्ट, चाहे पुलिस पोस्ट है चाहे पुलिस स्टेशन है, पुलिसमैन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटेक्ट अवर लाइफ, हमारे जीवन को सुरक्षित करते हैं, प्रॉपर्टी को, हमारे संपत्ति को। द पुलिस प्रोटेक्ट द सिटीजन एंड हेल्प इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस जो है वो नागरिकों की प्रोटेक्ट करती है, मदद करती है और उनके नियम और कानूनों को भी बनाए रखती है। पुलिसमैन कैचेस थीव्स एंड क्रिमिनल्स ड्यूरिंग द फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, दे कीप द क्राउड अंडर कंट्रोल। वह चोरों को और अपराधियों को भी पकड़ती है और मेलों और त्योहारों पर वह भीड़ को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। दे हेल्प सिटीजन इन टू फाइंड आउट लॉस्ट चिल्ड्रन, और खोए हुए बच्चों को भी खोजने में मदद करती है। दे पेट्रोल द स्ट्रीट्स टू कीप सिटीजन सेफ फ्रॉम थीव्स एंड क्रिमिनल्स, और वो रात भर गलियों में गश्त करती है चोरों और अपराधियों से सुरक्षित रखने के लिए। इन बिग सिटीज द पुलिसमैन कंट्रोल द ट्रैफिक ऑन बिजी रोड्स। बड़े शहरों में पुलिसमैन जो होती है कंट्रोल करती है ट्रैफिक को। सच पुलिसमैन आर कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस, इस तरह की पुलिसमैन को हम ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। दे हेल्प द ट्रैफिक टू मूव स्मूथली, जिससे कि ट्रैफिक को आसानी से मूव किया जा सके, चलाया जा सके। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट बाई ओबेइंग द ट्रैफिक पुलिसमैन एंड फॉलोइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स। हमें यदि एक्सीडेंट से बचना है तो हमें ट्रैफिक पुलिसमैन का के नियमों का पालन करना होगा और ट्रैफिक सिग्नल्स का भी पालन करना होगा। ओके okay?